टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। हापुड़ के नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर एक रफ्तार कार हाईवे पर खराब खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिसमें कार सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से रेस्क्यू कर 3 शवों को कार से निकालकर पीएम के लिए भेज दिया। खड़ी गाड़ी है पर ड्राइवर पर आगे पीछे ये आइटम गाड़ी है, पीछे से बड़ी ट्रक में तो आगे ट्रक खड़ा था। हाँ हाँ, ट्रक खड़ा था। तो इसमें कितने बच्चों की, कितने लोगों की मौत हो गई है? इसमें एक लड़का है, लड़की ही है, उसकी घरवाली है, बच्चा उसका। तो उनकी तीनों की मौत? तीनों। अरविंद कुमार, MT 108। भैया कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ये लोग आ रहे थे और ये ट्रक जो है इसका पहिया वहिया ख़राब है, तो ये पता नहीं कितनी स्पीड में चल रहे होंगे, क्योंकि हम तो 15 मिनट बाद आती है ना, तब क्या कहते हैं इसका खुद से हुआ है, खड़े ट्रक में लगा है, जिससे हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है, तीनों की मृत्यु हो गई। लगभग कितने बजे का मामला है ये? करीब सर टेम्परेचर 6:17 या 20 मिनट की बात है सर। बताया जा रहा है कि जिला रामपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी और एक 6 माह की बेटी, अपने किसी रिश्तेदार के घर से होकर गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी हाईवे पर खड़े खराब ट्रक में पीछे से जाकर घुस गई, जिसमें 3 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ सुमित ससोदिया, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।